मेरे भाइयों और बहनों, स्किलिंग ये महिला के लिए नई बात नहीं है। एक घरगुती स्किलिंग का उदाहरण है कि माँ अपने बेटी को खाना बनाना सिखाती है, घर संभालना सिखाती है, कौशल बनाती है। अर्थात जिससे हम पोषित होते हैं वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से सिखाई हुई कौशलता है। ये था प्राचीन हिंदुस्तान, जहाँ औरतें किचन तक सीमित थी, चाहे वो शहर हो या गांव। नए दौर का भारत परिवर्तन के लिए तैयार है। वो औरतों को कौशल देखना चाहता है और तैयार है, कौशल केवल किचन में नहीं पर हर क्षेत्र में। क्रेडाई वुमेन्स विंग ने रियल एस्टेट के लिए ये परिवर्तन लाने का बेड़ा उठाया है। हमारा एक सपना है कि हम एक पूरा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, डिज़ाइन से लेकर बांधकाम से लेकर पोजेशन तक, पूरी तरह महिला टीम के थ्रू कार्यरत कर सकेंगे। श्री राजीव प्रताप जी, हम यहाँ आज आपसे इस सपने को साकार करने के लिए गति मांग रहे हैं, उस जनसंख्या के लिए जो 48.5% महिलाएं हैं। क्रेडाई ने इस मुहिम के लिए कदम आगे बढ़ाया है और इस प्रयास को, इस प्रस्ताव को सफल करेंगे। आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह पहला कदम है हमारे सपने की ओर और कुशल से हम निवेदन करेंगे कि इसको साकार करने में मदद करें। हम आपके समक्ष क्रेडाई वुमेन्स विंग की ओर से एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं। आई विल रिक्वेस्ट द क्रेडाई पुणे डेवलपर्स, वुमेन डेवलपर्स, कि वो प्लीज़ आके ये प्रस्ताव प्रस्तुत करें रिस्पेक्टेड डायस को।